to get some groceries, bro. We're headed into town, cause we're shopping at the grocery store. Shopping at the grocery store. Assalamu alaikum, I hope you all are doing great. Welcome back to another video of my channel. तो आज है जी संडे का दिन एंड टुडे आई एम हियर इन अ सुपर मार्केट. आई नीड टू बाय सम होम रिलेटेड आइटम्स एंड देन वी विल गो फॉर द ग्रोसरी शॉपिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इस सुपर मार्केट से मैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग नहीं करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ बिकॉज आई नीड टू बाय सम होम रिलेटेड आइटम्स. और इन सुपर मार्केट्स का एक ये फ़ायदा होता है कि अंडर वन रूफ आपको हर तरह का सेक्शन मिल जाता है. सो करेंटली आई एम लुकिंग फॉर सम क्रॉकरी आइटम्स एंड सो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू फाइंड इट और नॉट. Now I'm here in food section and I'm looking for my breakfast essential items. This my number one is the bread and then I will buy burger buns. Bread selection में और इसके अलावा बाकी bakery products की selection में भी काफ़ी careful रहना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर सारे ingredients हलाल नहीं होते हैं. So we have to be really conscious about it. As I'm here in Portugal, so almost हर product के ऊपर जो है वो Portuguese language में ingredients लिखे होते हैं. So मैं क्या करती हूँ कि I have a Google translator in my phone. तो मैं उससे इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसलेट कर लेती हूँ इन इंग्लिश एंड देन आई गेट टू नो कि व्हाट इज़ हलाल इंग्रेडिएंट एंड व्हाट इज़ नॉट हलाल. दिस सेक्शन इज़ माय फेवरेट सेक्शन बिकॉज आई लव मीठा एंड व्हेनेवर आई कम टू दिस सेक्शन आई कैन नॉट रिजिस्ट लिटरली. सो आई एम गोना बाय स्मॉल कपकेक्स. और इस टाइम जब स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज़ द वेरी फेमस पेस्ट्री हियर इन पोर्चुगल. इस पेस्ट्री का नाम है जी पास्ता दे नाता जो कि पोर्चुगीज लैंग्वेज के अंदर है और ये यहाँ की बहुत फेमस पेस्ट्री है. इस पेस्ट्री का मेन इन्ग्रीडियंट है जी एग योक और इसके अंदर एक क्रीमी सा कस्टर्ड का जी एक फ्लेवर आ रहा होता है. तो अगर आप पोर्चुगल आते हैं और आपने ये नहीं खाई तो आई थिंक आपका टूर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है. फ्रॉम द बेकरी सेक्शन आई हैव आल्सो परचेज दिस मल्टीग्रेन ब्रेड. और अब ये सेक्शन है फ्रोजन आइटम्स का और फ्रोजन आइटम्स में यूजुअली मैं बाय करती हूँ फ्रोजन मटर. और मेरे रेफ्रिजरेटर के अंदर ऑल टाइम ये रहते हैं. आपने फटाफट जब कुकिंग करनी होती है क्विक देन यू जस्ट हैव टू टेक आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड कुक इट और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको बॉयल करने में. I have also purchased these kebab and the best thing about it के ये हलाल है because these are vegan. इसके अंदर कोई भी मीट नहीं है so I can use it in my burger buns and I can have amazing burgers. साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो बाई वीगन पैटीज एंड वीगन नगेट्स फ्राम दिस सेक्शन. हियर इन पोर्चुगल आई यूज दिस मिल्क ब्रांड एंड दिस इज सेमी स्किम्ड मिल्क. अब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय करेंगे और आई एम गोना शो यू कि यहाँ पर इस मौसम के अंदर कौन सी टाइप्स के फ्रूट्स एंड कौन सी टाइप्स की वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं. आल्दो कि आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलेंगे जो कि बहुत फ्रेश हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इस वेजिटेबल सेक्शन के अंदर भिंडी नज़र नहीं आएगी, करेले नहीं मिलेंगे. एंड आई एम लिटरली वेटिंग कि यहाँ पर जुलाई में या फिर अगस्त तक जो है वो भिंडी करेले आ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में जब लास्ट मेरा समर गुजरा था तो आपको तो पता है कि ये अभी का जो सीज़न है करेले भिंडी हर जगह आपको फ्रिक्वेंटली बल्क में मिल रहे होते हैं. सो आई एम रियली मिसिंग इट. और यहाँ पर इस तरह के मैंगोज़ हैं एंड दीज आर द ब्राज़ीलियन मैंगोज़. ये बहुत डिफरेंट है और ये आपको सिर्फ गर्मियों में नहीं दिखेंगे बल्कि आपको सर्दियों में भी ये ब्राज़ीलियन मैंगोज़ मिलेंगे. और पाकिस्तान में जो मैंगोज़ होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं ये. इनका अगर आप शेक भी बनाएं तो वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे पाकिस्तान वाले मैंगोज़ का आता है.
सम ड्राई फ्रूट, और इसी सेक्शन में आपको जो पाकिस्तानी देसी मसाला जात होते हैं जिसमें सुर्ख मिर्च है पिसी हुई, इसके अलावा हल्दी हो गई, गरम मसाला, खुश्क धनिया और बाकी भी जो मसाले हैं वो आप यहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर हियर इन पोर्चुगल, आई थिंक दिस ओशा सुपर मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर देसी मसाला जात। So this is all for today's vlog. If you like it, so please subscribe my channel and share it with your friends and family members. Now I will see you in my next video. Until then, take care and Allah Hafiz.